फोन सर के पास आया था, मेरे LMT के सर, तो 25 तारीख को 9:30 बजे वो मेरे घर पे आए थे, तो हमको बताए कि टॉप 20 में मतलब तुमको भी चुना गया है, तब पटना जाना है। तो हम लोग सब बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। घबराहट हो रहा था पहले मतलब, फिर मतलब सब लोग समझाए घबराना नहीं है, फिर हम भी खुद को अथी किए ऐसे समझाए खुद को घबराना नहीं है, सब पढ़े ही हैं, करना है सब। क्वेश्चन सब नॉर्मल नहीं था, किताब का ही क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, छोटे छोटे फार्मूलाज पूछ रहे थे लोग, और सब जो हम लोग बुक पढ़े थे उसके लेखक या फिर उसके बारे में बताइए, जो पढ़े थे कहानी के बारे में, मतलब ऐसे पता चलता है कि मतलब हम लोग पढ़े हैं तो बताएंगे वो सवाल। पढ़ाई हम ही पढ़ाए हैं इसको, ये भी एक बात है, हम ही टीचर हैं इसके, भाई भी हैं, टीचर भी हैं, हमारा अपना कोचिंग क्लासेज है स्टार क्लासेज, तो उसी में इसको पढ़ाए हैं। देखिए मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले जो है कई ऐसे टॉपर बच्चे होते हैं जिसको अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिस में बुलाया गया है, जो कि वेरिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ जो टॉपर बच्चे होते हैं उससे पहले उनको इंटरव्यू लिया जाता है। तो कुछ बच्चे आए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धि जायसवाल। सिद्धि, ये बताइए कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया आपको और आपने आज इंटरव्यू दिया है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश मिला है। क्या जब फ़ोन किया गया था, क्या कहा गया था आपको? फ़ोन सर के पास आया था, मेरे LMT के सर, तो 25 तारीख को 9:30 बजे वो मेरे घर पे आए थे, तो हमको बताए कि टॉप 20 में मतलब तुमको भी चुना गया है, तब पटना जाना है। तो हम लोग सब बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। यानी कि बिहार में टॉप 20 में यदि बात आती है, आपका चुना जाएगा, सिलेक्शन होगा, तो उस जाहिर सी बात है खुशी होना है। तो आपको क्या लगता है जो इंटरव्यू दिया वो कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा, सारे सवाल का जवाब दिए हैं, टीचर्स लोग भी मुझसे खुश थे, जवाब सब ठीक दिए हैं। सिद्धि, ये बताइए कि तैयारी कैसी रही, कोविड का टाइम था, कैसे कोचिंग संस्थान बंद थे? कोचिंग तो करते थे पहले, लेकिन लॉकडाउन में 3-4 महीना हमको मतलब घर पे ही पढ़ना पड़ा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन घर पे ही पढ़े, पूरा ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ा, तो उसका मेहनत किए, मतलब मुसीबत भी आया पढ़ाई के वक्त पे, लेकिन उसका सामना किए और कोशिश किए थोड़ा। पहली बार इंटरव्यू दिए हैं इस पटना आकर के और बिहार बोर्ड एग्जाम के बाद इंटरव्यू, तो कैसा फील कर रहे थे? जैसे घबराहट हो रहा था पहले मतलब, फिर मतलब सब लोग समझाए घबराना नहीं है, फिर हम भी खुद को अथी किए ऐसे समझाए खुद को घबराना नहीं है, सब पढ़े ही हैं, करना है सब। आए क्वेश्चन जब पूछा गया इंटरव्यू में, तो कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन सब नॉर्मल नहीं था, किताब का ही क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, छोटे छोटे फार्मूलाज पूछ रहे थे लोग, और सब जो हम लोग बुक पढ़े थे उसके लेखक या फिर उसके बारे में बताइए, जो पढ़े थे कहानी के बारे में, मतलब ऐसे पता चलता है कि मतलब हम लोग पढ़े हैं तो बताएंगे वो सवाल, तो सारे सवाल का जवाब नहीं है उसी के बारे में। स्ट्रीम कौन सा है? साइंस को, मतलब साइंस। अब नेक्स्ट क्या चूज करेंगे आप? साइंस बायो चूज करेंगे। फिलहाल मैट्रिक में आपको किस विषय पे सबसे हाईएस्ट नंबर आने का चांसेस लग रहा है, किस सब्जेक्ट में? ज्यादा तो चांसेस साइंस में लग रहा है। साइंस में लग रहा है, साइंस ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपका? हाँ, इंटरेस्टिंग है साइंस का। मैथ भी ठीक है, मैथ भी अच्छा आ जाएगा, आस पास आ जाएगा। आपके साथ में आए हैं बड़े भाई, बड़े भाई। अच्छा, ये बताइए आप इनके भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से टॉपर टॉप 20 की बात आ रही है, रैंक में इनका नाम दिया गया है, बुलाया गया है, आज अंदर गई इंटरव्यू दी है, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इसको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, और आपके मीडिया के जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे कि इस मुकाम पर हमारी बहन पहुंची है, कि हम लोग यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास आए हैं, इंटरव्यू दी है, बहुत खुश हम भी हैं, अंदर इंटरव्यू भी इसका अच्छा ही हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं यदि कोई आपकी बहन टॉप 20 रैंक में बिहार में आने वाली है, तो कुछ ना कुछ खास बातें तो पढ़ाई पढ़ाई हम ही पढ़ाए हैं इसको, ये भी एक बात है, हम ही टीचर हैं इसके, टीचर हैं, भाई भी हैं, टीचर भी हैं, हमारा अपना कोचिंग क्लासेज है स्टार क्लासेज, तो उसी में इसको पढ़ाए हैं। और हमारी कितना विश्वास था कि इनका रिजल्ट अच्छा था, कि टॉप नहीं करेगी, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि कुछ अच्छा नंबर लाएगी, टॉप ही हो जाएगी, नहीं पता था। लेकिन अब कैसा फील कर रहे हैं यदि टॉप 20 रैंक आने की बात हो रही है, यहाँ पे वेरिफिकेशन में आया है, इंटरव्यू भी दी है, अब क्या लग रहा है? अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, और थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अब अच्छा की है तो आगे भी अच्छा करेगी, इसका उज्ज्वल भविष्य हो, यही कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्यालय परीक्षा समिति पे कई छात्र आए हैं जो कि उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, और टॉप 20 रैंक में जिनका भी नाम आएगा उनको यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि अब ऐसा सिलसिला है कि 2-3 सालों से जो भी टॉपर बच्चे होते हैं उनको स्पेशली वेरिफिकेशन के साथ साथ उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कई सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसके बाद जो है वेरीफाई होने के बाद उनको टॉप रैंक में बिहार में लाया जाता है। अब बहुत जल्द जो है रिजल्ट निकलने वाला है, उससे पहले जो है
इन बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। अब देखने वाली बात यह है कि टॉप 1 रैंक कौन होंगे, टॉप 2 रैंक कौन होंगे और टॉप 3 रैंक कौन होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है अपडेट्स मैं दिया हूँ कि बिहार बोर्ड में टॉपर टॉप 20 रैंक में जो बच्चे आए हैं उनका इंटरव्यू कैसा लिया गया है, उससे हम आपको रूबरू कराए। फिलहाल बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।